तो हे टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज 28 अगस्त, तो काफ़ी दिनों बाद मैं ब्लॉग बना रहा हूँ। तो बेसिकली ब्लॉग एक चीज़ स्पेशल चीज़ के ऊपर होने वाला है। तो अभी आने वाली है रिसेंटली गणेश चतुर्थी 31 अगस्त को, तो हम उसके लिए गणेश जी की मूर्ति बुक कराने जाने वाले हैं। तो देखते हैं कौन कौन सी मूर्ति हमें देखने को मिलती है उदयपुर में। तो चलो चलते हैं, देखते हैं। देख सकते हो इतनी सारी मूर्ति है गणेश जी की, और बहुत सारी मैंने आपको आगे वाली क्लिप में बताई थी, बट इस वाले कमरे में ऐसी है, कलर वाली भी है, बिना कलर वाली भी है। गाइस आपने आगे वाली क्लिप में देखा जैसे हमने मूर्ति बुक करा दी थी, एंड फाइनली अब हम डेकोरेट स्टार्ट करते हैं। और ये नेक्स्ट डे है उसका, तो डेकोरेट के लिए हमने लिया है एक टेबल जो घर का होता है बेसिकली, तो उसे लिया है। और हमारी थीम बेसिकली पूरी फ्लावर वाली ही है, तो हमने फ्लावर वाले ये मैट यूज़ किया है इसके ऊपर। तो ये कुछ टेबल है। अब हमें ये तीन है हमारे पास ये स्टिक्स लकड़ी की, तो इसे जॉइंट करेंगे और बनाते हैं। एक बार मैं इसे सही ढंग से प्रॉपर काट देता हूँ, फिर हम जॉइंट करेंगे। तो ये कुछ हमने मेजरमेंट लेके किया है, तो अब इसके ऊपर खिल्ली वगैरह लगाएंगे। हम लोगों ने तीन जो स्टिक थी हमारे पास लकड़ी की पतली पतली, वो जॉइंट कर ली है, देख सकते हो। फर्स्ट ऑफ ये वाली है, एंड सेकंड और थर्ड पूरा पिलर टाइप बना दिया है हमने। बैक साइड में बेसिकली नहीं लगाई है स्टिक, क्योंकि हमारे लिए ये है, पीछे हमने खिल्ली लगा रखी है, तो उससे सपोर्ट मिल जाएगा थोड़ा इसका। और कुछ डेकोरेट करेंगे तो आगे आप देखते रहना। और इसके ऊपर हम बेसिकली अब लगाएंगे टिश्यू पेपर का पूरा कवर, क्योंकि ये स्टिक जो है ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, तो पूरा व्हाइट हो जाएगा। और आप देखना आगे से आगे थोड़ा। सो गाइस आप लोग देख सकते हैं हम लोगों ने टिश्यू पेपर लगा दिए हैं, और अभी इसको सूखने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो अभी इसको थोड़ा छोड़ देते हैं ऐसे, एंड आगे की प्रिपरेशन हम स्टार्ट करते हैं। इसको अभी यहीं छोड़ देते हैं, ये सूख जाएगा, एकदम वाइट हो जाएगा। गाइस अभी हमारा मंडप इतना तैयार हो चुका है, देख सकते हैं। और इसमें हमने अभी ये लगी है लोहे का तार जो होता है उसको वहाँ सपोर्ट दिया है, देख सकते हो तीनों तरफ से, एंड अभी कुछ इतना तैयार हो गया है, तो अभी थोड़ा और बाकी है, तो प्रिपरेशन करते हैं। सो गाइज अभी हम पूरा प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। अभी हमने इसके अंदर जॉइंट लगा दिया, देख सकते हो धागों के, जिससे सेफ्टी हो गई है। एंड हम ये खरीद के लाए पॉम्पॉम्स कहते हैं इसके, नेट के हैं बेसिकली ये, तो ये ऐसा पूरा फाइनल प्रोडक्ट तैयार हुआ है, देख सकते हैं। तो ये 40 रुपये का हमें पड़ा था, 15 पीस आते हैं ऐसे लंबे, तो अब इसको डेकोरेट करते हैं, एंड आपको बताता हूँ मैं। अब हम इस बॉर्डर पे लगाएंगे फुल टिश्यू पेपर के, बेसिकली हमने बना रखे हैं फुल, तो हम इस बॉर्डर पे लगाएंगे फुल, और ये नेट जो है यहाँ पे क्लिप हो जाएगी एकदम, और फिर आपको बताता हूँ मैं फाइनल प्रोडक्ट तैयार करके बताता हूँ। फ्लावर लगने के बाद कुछ ऐसा लग रहा है, तो अभी इनको वापस से प्रॉपर खोलेंगे फ्लावर की तरह। ये फर्स्ट वाला खुला हुआ है, तो वापस से इधर भी करना पड़ेगा सेम टू, तो करते हैं फटाफट। सो गाइस अभी फाइनली ऐसा लग रहा है, अभी हमने ये लगाई है नेट, तो नेट से कुछ ऐसा आ रहा है, और ऊपर अभी गत्ता लगेगा और इसके ऊपर फ्लावर लगेंगे, देख सकते हो पूरी कवरिंग इनको जॉइंट कर रखा है बेसिकली डाल के। तो ऐसे गत्ते आप भी ला सकते हो मार्केट से, तो पूरा बताऊंगा आपको फाइनल में क्या करना है, आपको कैसे क्या करना है, आप भी अगर गणपति की स्थापना कर रहे तो। सो गाइस इस गत्ते के ऊपर सेट हो रहा है, देख सकते हो आप लोग फ्लावर्स वगैरह जो भी है, और अभी फाइनल तैयार होगा तो मैं आपको बताऊँगा। इस गत्ते के ऊपर सेट हो रहा है, और अभी इसके ऊपर पत्तियाँ आएगी। गाइस फाइनली डेकोरेट हो गया है पूरा का पूरा पांडाल, देख सकते हो आप। तो मैं बताता हूँ हमने क्या क्या लगाया है। तो बेसिकली हमने ये टिश्यू पेपर के फूल लगाए हैं, और ये जो है नेट लगाई है बेबी पिंक कलर की, एंड ये हमने घंटी लगाई है एक बड़ी वाली, और इससे पीछे हमने तीन घंटियाँ लगाई है, ये वाली घंटियाँ लगाई है, देख सकते हो तीन लगाई है बेसिकली। और इतने कुछ फ्लावर्स लगाए हैं जो गत्ते के पीछे लगे हुए हैं, गत्ते के अंदर डाले हुए हैं सब फ्लावर्स, काफ़ी अच्छा लग रहा है, देख सकते हो। मैंने आपको पहले ही बता दिया था हम ये लाए थे रेडीमेड बाहर से मार्केट से 40 रुपये के। तो हमारी थीम थोड़ी फ्लावर वाली है, तो हमने थोड़ा मैट भी इस फ्लावर वाला यूज़ किया है, और देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है। तो आधी से ऊपर हमारे होममेड चीज़ ही है इसके अंदर यूज़ है जो, तो मैं दूर से बता दूँ थोड़ा आपको तो कैसा लग रहा है। तो ऐसा कुछ लग रहा है, लाइटिंग के बाद काफ़ी औसम लग रहा है, मैं बताता हूँ लाइट का। ये कुछ नाइट का व्यू है, देख सकते हो अभी लाइटिंग कर रखी है, तो ऐसा कुछ आ रहा है अंदर का।
तो इस चीज़ में हमने आधे से ऊपर होममेड चीज़ों का यूज़ किया है, देख सकते हो कि फ्लावर वगैरह थे हमारे घर पे ही पड़े हुए थे पहले से, तो हमने यूज़ किए हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो कुछ सिनेमेटिक शॉट आपने देखे होंगे वैसे भी शुरुआत में ही। तो गाइस आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर ज़रूर करना, और कमेंट में बताना आपको कैसी लगी, और लाइक कर देना जिससे हमको मोटिवेट मिलेगा, हमने इतनी मेहनत की है देख सकते हो, और हमने 90% काम कर चुके हैं इसमें, तो अभी थोड़ा बहुत बाकी है तो हम गणेश चतुर्थी को कर देंगे पूरा का पूरा। तो आपको वो वाली वीडियो भी सामने आ जाएगी थोड़े ही दिन में, एंड चलो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।